डॉक्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए हम पहले जानेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफिनिट ऑर्डर। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ डिफिनिट ऑर्डर इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए एक अरेंजमेंट मैं करता हूँ जो वो सीक्वेंस हो करेगा। एग्जाम्पल जैसे 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10, तो ये क्या है? एक प्रकार का अरेंजमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? डिफिनिट है। डिफिनिट यानी कि 1, 4, 7, 10 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एक प्रकार का ये सीक्वेंस हो जाएगा। अगर सीक्वेंस का जनरल टर्म देना हो, जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं 2, 4, 6, 8, ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है या सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। तो यह सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये भी सीक्वेंस है। इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो जैसे एन आप लिख दें तो यह सीक्वेंस हो करेगा। इसको हमें लिखना पड़ेगा 2n, वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ एन। ए भी एक प्रकार का सीक्वेंस बन जाएगा। इसी सीक्वेंस का ये जनरल फॉर्म है। एन के प्लेस पे 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे तो एक सीक्वेंस मिल जाएगा। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। अब इसी को जैसे कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया होता है, उसके सभी टर्म को रिप्रेजेंट करना है। सीक्वेंस में यह होता है कि सभी टर्म के बीच कामा का प्रयोग करते हैं। जब सीक्वेंस में हम प्लस या माइनस ऐड कर दें तो वही सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। मेन डिफरेंस सीक्वेंस और सीरीज में यह है कि सीक्वेंस में पर्टिकुलर टर्म सेपरेट होते हैं, कामा के द्वारा उसको सेपरेट किया जाता है, और सीरीज में उसमें प्लस या माइनस उसी सीक्वेंस में कर देंगे तो वह सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सीक्वेंस का आपका जनरल टर्म दिया गया, जैसे एन इक्वल टू 1/n², इसमें 5 टर्म लिखना है। राइट द 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। राइट द 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन ये है कि एन इक्वल टू 1/n², इसके 5 टर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो 5 टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एन के प्लेस पे फर्स्ट टर्म के लिए 1 रिप्लेस करेंगे, एन के लिए पे 2 रिप्लेस करेंगे, एन के लिए पे 3 रिप्लेस करेंगे, एन के प्लेस पे 4, एन के जगह 5। जब 1 रिप्लेस करेंगे इसमें तो यहाँ पे 1/1² इसकी वैल्यू 1/1 हो जाएगी। 2 रिप्लेस करेंगे तो 1/2² इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 3 जब रिप्लेस करेंगे 1/3² इसकी वैल्यू 1/9 हो जाएगी। 4 रिप्लेस करेंगे 1/4² इसकी वैल्यू 1/16 हो जाएगी। 5 रिप्लेस करेंगे 1/5² इसकी वैल्यू 1/25 हो जाएगी। तो कभी कभी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया होता है, उसके बेस से हम सीक्वेंस के सभी टर्म को अलग अलग फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी इफ द डिफरेंस टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब इसमें यह होता है कि किसी भी टर्म के प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट होता है, तो उस यह कंडीशन को अगर सीक्वेंस सेटिस्फाई करती है तो वह सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर इसका जनरल टर्म में लिखने के लिए an+1 - an = d, यानी an+1 की प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? n होगा, और इसका डिफरेंस लेंगे तो वह d होगा। डी की वैल्यू क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ एन। अगर डी की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो, एन के फॉर्म नहीं आता हो, तो वह सीरीज क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वह सीरीज मिलेगा। जैसे अब जैसे आपको फाइंड करना है एन ए टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एन ए टर्म फाइंड करना है। तो पहले सपोज करेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए
एंड कॉमन डिफरेंस भी इक्वल टू डी। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन जो दो टर्म का बीच का डिफरेंस डी है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस को अगर हिंदी में जाना तो इसकी वैल्यू होती है सर्वांतर। मैं सभी टर्म के बीच का समान अंतर हो, जनरली सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस को ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अगर हम किसी सीरीज का एपी का एनए टर्म फाइंड करना हो, एनए टर्म ऑफ एपी, तो कोई सीरीज होगा तो उसका फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो इसको हम फार्मूला लिखने के लिए, जैसे हमारे ये टी वन टी टू टी थ्री या टी एन एनए टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टी वन की वैल्यू ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर अर्थमेटिक है, अगर टी वन टी टू एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसमें कोई भी टर्म के प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसके बेस से आप लिख सकते हैं टी टू और माइनस टी वन इक्वल टू डी। ऐसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की वैल्यू भी क्या मिलेगी, ए बी इक्वल टू डी। ऐसे आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू भी क्या मिलेगी, डी। ऐसे लास्ट में चेक करेंगे टी एन और माइनस टी एन माइनस वन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, डी मिलेगी। अब इसमें सभी टर्म को ऐड करेंगे, सभी टर्म को ऐड करेंगे तो पर्टिकुलर टर्म क्या होंगे, कैंसिल होते जाएंगे, टी टू टी थ्री ऐसे ये टर्म सब कैंसिल होते जाएंगे। तो जब इसको ऐड करेंगे तो केवल बचेगा इसमें टी एन बचेगा, और यहाँ पे एक टर्म बचेगा वन बचेगा टी वन, यहाँ पे डी की वैल्यू टू से एन तक स्टार्ट है। अगर वन से स्टार्ट होता तो यह एन डी होता, टू से एन तक स्टार्ट है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एन माइनस वन इंटू डी। अब जो है फर्स्ट टर्म के प्लेस में क्या है, ए है, इसको लिख सकते हैं टी एन माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही जो है किसी भी एपी के एन ए टर्म का फार्मूला बन जाएगा, यह जो है एन ए टर्म एपी है, एन ए टर्म एपी। इसी में किसी क्वेश्चन में इसको लास्ट टर्म भी कहा जाता है, अगर एन ए टर्म लास्ट टर्म हो तो इसको फार्मूला इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जैसे मान लीजिए किसी भी सीरीज को हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करना है कि वह सीरीज एपी में है कि नहीं है, जैसे आपको दे दिया जाए ए एन इक्वल टू थ्री एन प्लस वन, इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। इसको एपी में चेक करने के लिए ये आप कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, डी मिलेगा, यानी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा उसकी वैल्यू होगी, तो उसके बेस से आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ए एन, अब यहाँ पे ए एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एन प्लस वन तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो थ्री एन प्लस वन होगा। अब ए एन प्लस वन ए एन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इसकी वैल्यू मिल जाएगा थ्री एन प्लस वन माइनस थ्री एन और प्लस वन, इसको माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री एन प्लस थ्री प्लस वन माइनस थ्री एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा वन से वन, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, थ्री मिल जाएगी। यह एन पे डिपेंड नहीं है, तो क्या शो करता है, इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, क्या शो करता है, यह जो है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो तो कॉमन डिफरेंस यही क्या होता है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू थ्री जो मिला है, यही कॉमन डिफरेंस, इसके बेस से आप फाइंड कर सकते हैं और एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं।